अरंडा पुलिस व स्वाट टीम ने फर्जी नंबर प्लेट लगा पिकअप से 80 पेटी शराब किया बरामद। बरामद शराब की कीमत करीब 3,22,000 रुपये है। टमाटर के बीच छिपाकर बिहार ले जा रहा था शराब। एसपी ओमवीर सिंह ने पत्रकारों को बताया कि करंडा थानाध्यक्ष संपूर्णानंद राय व स्वास्थ्य टीम प्रभारी रामाश्रय राय के साथ सर्विलांस प्रभारी सुनील कुमार तिवारी के साथ दीना को पकड़ा गया। भारी मात्रा में शराब भी पकड़ी गई। क्या है मामला? कल शाम को जब जनपद गाजीपुर में चेकिंग चल रही थी तो उस समय थाना प्रभारी करंडा और हमारी स्वाट और सर्विलेंस टीम भी उसी क्षेत्र में एक घटना के सिलसिले में अपना चेकिंग कर रहे थे। इन्हें सूचना मिली मुखबिर खास से कि एक गाड़ी निकलने वाली है जिसमें भारी मात्रा में शराब है। इस सूचना पर विश्वास करते हुए संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग की गई तो एक पिकअप गाड़ी पकड़ी गई है जिसमें टमाटर लदे हुए थे। जब उसकी सघनता से चेकिंग की गई तो उसमें 80 पेटी शराब विस्की की भी मिली। और जब पूछताछ की गई तो ये बड़ा शातिर अपराधी था। पूर्व में भी बनारस में ये पकड़ा जा चुका है क्योंकि अब उधर भी चेकिंग चल रही है तो इन लोगों ने रूट बदला और अब बनारस से गाजीपुर होते हुए इधर जमनिया होते हुए बिहार जाने का इनका इरादा था। इसे ये डिलीवरी कहीं आरा में देनी थी। इसे वहाँ का कोई व्यक्ति मिलता क्योंकि जो किंग पिन है वो इनके दूर बैठे हुए हैं, हरियाणा से लोग लोड करके भिजवाते हैं। और जो ये शराब पकड़ी गई है इसकी जो मार्केट में कीमत है लगभग 3,50,000 रुपए है। और इसके पुलिस की इस उपलब्धि से ये प्रबल संभावना है कि अब जो स्मगलिंग करने वाले हैं कम से कम गाजीपुर के रास्ते को छोड़ देंगे। ये व्यक्ति खंड नंबर ले लेते ये व्यक्ति मूल रूप से जो इसने अभी बताया इसे कंफर्म करेंगे क्योंकि ऐसा शातिर व्यक्ति सही बोले ये जरूरी नहीं है, लेकिन इसने अपने आप को हापुड़ का बताया है। तस्दीक किया जा रहा है और इसके पूरे जो इसके पीछे लोग हैं उन पर भी पूरी तरह से हमारी जाँच चल रही है और एक टीम उसमें भी लगी हुई है ताकि सोर्स तक पहुँच चुके हैं। हालांकि ये जो शराब है ये राजस्थान में किसी डिस्टिलरी में बनी हुई है, इस पर पूरा है ये विशुद्ध रूप से स्मगलिंग कर रहे थे। और कई बार यही शराब जब बिहार में पहुंचती है तो इसी को अपमिश्रित करके ये लोग भारी मात्रा में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे कि लोगों के मरने की भी संभावना बढ़ जाती है। सर, इस तरह की गैंग की रोकथाम के लिए गाजीपुर पुलिस क्या इंतजाम कर रही है? लगातार चेकिंग कर रहे हैं और जो पुराने गैंग हैं उन पर सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं और गाजीपुर पुलिस सतर्क है तभी ये पकड़ा गया है।